हमारे साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मंत्री जी आप बताइए फिर से एक बार, आपको मंत्रालय मिला है, किस तरीके से देखते हैं? मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का, पुष्कर सिंह धामी जी का, अमित शाह जी का, नड्डा जी का, अपने केंद्र का आभार व्यक्त करता हूं कि एक बार फिर भरोसा जताकर मेरे जैसे फौज को, सिपाही को दोबारे मंत्री बनाकर सेवा करने का मौका दिया। और पूर्व में मंत्री के रूप में मैंने एक आयाम स्थापित किया है 6 महीने के अंदर, जिस सैनिक कल्याण मंत्रालय को जानता नहीं था, आज पूरे देश के अंदर मंत्रालय को जाना जाता है। एक विशाल सैनिक धाम हम यहाँ पर बना रहे हैं, उस सैनिक धाम को पूरा करना मेरा संकल्प है, 2024 से पहले हम उसको पूरा करेंगे। और जिस विश्वास के साथ इस प्रदेश की जनता ने हमें प्रचंड बहुमत दिया है, उस पर खरा उतरते हुए इस प्रदेश का विकास करना ये हमारी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि जहाँ कहीं में दिक्कत आती है माननीय मोदी जी का आशीर्वाद इस प्रदेश की जनता को मिलता है, और आज यहाँ पर आकर उन्होंने हमें गौरवान्वित किया है, उसके लिए मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। फिर से कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, जिससे फिर से उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया, तो इस मंत्रालय के साथ यानी कि कैबिनेट के पद के साथ वो फिर से प्रदेश का विकास करेंगे। वीडियो जल्दी सागर में इसके साथ सुभाष को और न्यूज़ बट इंडिया देहरादून। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास जी, उनसे बात करेंगे। सर एक बार महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है सरकार में, किस तरीके से निर्वहन करेंगे और सबसे पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? मुझे अपने केंद्रीय नेतृत्व ने, संगठन ने ये पहली बार जिम्मेदारी दी है। मैं कई बार विधानसभा में कई पदों पर मैंने काम किया है, नगर पालिका का मैं चेयरमैन भी रहा हूँ और लगातार 4 बार जीत के आ रहा हूँ। तो मेरी वरिष्ठता को देखते हुए जो मुझे जिम्मेदारी दी है, पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल से धन्यवाद दूंगा। और जो रुके हुए काम है, जो जनता ने हमको मैंडेट विश्वास दिया है, उसको पूरा करने का काम। सबसे पहले प्राथमिकता क्या रहेगी, क्योंकि आप पहाड़ वाले विधानसभा से आते हैं और खासतौर से देखा गया कि पहाड़ों में पलायन जैसी स्थिति बहुत ज़्यादा है। बागेश्वर आपकी विधानसभा है, साथ में चमोली जिला भी लगता है। आप देखते हैं चमोली जिले में लगभग जो गांव है वो खाली होते हुए जा रहे हैं, क्या लगता है कुछ इनको लेकर आपको नीति बनाएंगे? बिल्कुल, पहाड़ के रोजगार के लिए और पलायन के लिए, वही खेती, वहाँ उद्यान, वहाँ की जड़ी बूटी और जंगल के जो भी वहाँ संसाधन हैं, यदि हम उन संसाधनों का वहाँ उपयोग करें तो बेरोजगारी भी दूर होगी और पलायन भी रुकेगा। सबसे पहला काम क्या करेंगे चंदन रामदास जी? पहले अपने क्षेत्र के लोगों को धन्यवाद दूंगा, जिनके कारण बागेश्वर जैसे दूरस्थ क्षेत्र को प्रतिनिधि मिला है। और मेरे कार्यकर्ताओं ने जोश खरोस के साथ मेरे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो मुझे अपार मत से जीत दिलाई, पहले उनका धन्यवाद करूँ। धन्यवाद सर। तो ये थे चंदन रामदास जी, जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये उनकी प्राथमिकता है कि सबसे पहले वो पहाड़ों का विकास करेंगे और पहाड़ों के साथ साथ फिर एक बार प्रदेश में विकास होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सागर में इसके साथ सुभाष को और न्यूज़ वन इंडिया देहरादून। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री सौरभ भगुणा जी हैं बातचीत करने के लिए। सौरभ जी, इस बार पहली बार आपको कैबिनेट में मौका मिला, किस तरीके से प्रदेश का विकास करेंगे? मैं केंद्रीय नेतृत्व का, माननीय मोदी जी का, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं उत्तराखंड की कैबिनेट में अपनी भागीदारी दे सकूं और उत्तराखंड की सेवा कर सकूं। और जिस तरीके से मैंने लगातार 5 साल उससे सरदारगंज में काम करके और लोगों की सेवा करी थी, उससे एक्सपीरियंस बहुत मिला है मुझे, क्योंकि मैंने काम करा है सरकार में किया है, और उम्मीद करूंगा कि वही एक्सपीरियंस का फायदा उठा के मैं उत्तराखंड की सेवा कर सकूं। एक बड़ी चीज यह है कि चुनौतियां बहुत सारी हैं उत्तराखंड में, क्या लगता है युवाओं को बहुत ज्यादा मौका दिया जा रहा है, तो युवा उन चुनौतियों को पूरा करें? युवा प्रदेश है, युवा देश है, और माननीय मोदी जी ने कहा था कि ये युवा सरकार मिलेगी, और आपने देखिए कि आज युवा सरकार आपके सामने खड़ी है, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये सरकार आपको उत्तराखंड की जो भावना है, उत्तराखंड की भावना को आगे बढ़ाएगी, और उत्तराखंड को 2030 तक जो माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का सपना है कि पर्वतीय क्षेत्रों में सबसे विकसित क्षेत्र होगा तो उत्तराखंड स्टेट होगा, तो उत्तराखंड होगा, उसको हम पूरा करेंगे। जी आखिरी सवाल है कि सौरभ भगुणा का क्या उद्देश्य रहेगा, सबसे पहले प्राथमिकता क्या रहेगी? जो विजन डॉक्यूमेंट है, घोषणा पत्र, उसको धरातल पर उतारना। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ सौरभ भगुणा, जो कि कैबिनेट मंत्री हैं और पहली बार कैबिनेट मंत्री के उन्होंने शपथ ग्रहण अपनी ली है। सबसे खास बात यह है कि युवाओं को तजुर्बा दी जाएगी और प्रदेश में विकास किया जाएगा, ये इनकी प्राथमिकता रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सागर के साथ सुभाष को और न्यूज़ वन इंडिया देहरादून।